हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और इंग्लिश के कुछ लोगों ने मुझे कॉल आया था, मैंने भी कॉल किया था और मैसेज भी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। कुछ टेक्नीशियंस जुड़े हुए हैं, कुछ आईआईटी किए हुए लड़के जुड़े हुए हैं जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। तो सोचा कि मैं उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा सा एक बेसिक्स इंटरव्यू के एक वीडियोज़ बना देता हूँ, जिसमें उनको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए कि अगर वो कहीं जाते हैं तो क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था, मैसेज आए थे। फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिक्स इंटरव्यू के जो एचआर पूछते हैं, इवन जब मैं भी था तो मुझसे भी पूछा गया था। तो ये है मेरा नाम आमिर इस्लाम। 1 मिनट। और मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीटेक किया है और मुझे 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एचवीएसी में। मैंने एक बुक लिखी है, रेडियन कूलिंग एंड हीटिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लास्ट में ही बोलने वाला हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो इसमें जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, ठीक है, इससे पहले एक मैंने इंटरव्यू का एक पार्ट बना रखा है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे आई बटन का कोई चक्कर नहीं है। उसमें क्या जानना चाहता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ओवरव्यू आपका कैसा है, करंट पोजीशंस क्या है, एक्टिविटीज़ कैसी हैं आपकी। रिलेवेंट हाईलाइट करना चाहिए कि हम बैकग्राउंड क्वालिफाइड रोल्स क्या है आपके। जनरली इसके अंदर क्या होता है, सम लाइट पर्सनल डिटेल देते हैं इसमें, कुछ पर्सनल डिटेल दे दिया एंड जैसे कि फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दिया एंड सम थोड़ा सा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दिया। तो उसके अब ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या क्या बोलना है, तो ऐसे बोलना है, करेंटली आई सर्व एज अ असिस्टेंट टू 3 कंपनीज, कंपनीज 5 एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर। सो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप आईटी फील्ड से हैं या किसी भी फील्ड से हैं, तो आप बताएंगे कि सर एक्चुअली में क्या है। इसको इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। और एक्चुअली में क्या है कि मैं अभी एज अ टेक्नीशियंस इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे अंदर में मेरे फ्रेंड्स इतने सर्किल्स हैं, मैं एज अ टेक्नीशियंस हूँ और मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना साल टाइम दिया है और वो मैं मेरे अंदर जो एबिलिटी है टाइम मैनेजमेंट की है और मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ और है कि फ्रॉम 12 ईयर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब थोड़ा सा हाई लेवल को मैंने इसमें मेंशंस किया है कि आई हैव डेवलप एबिलिटी टू एंटिसिपेट, मतलब रोड ब्लॉक्स, अपने जो प्लान है एचवीएसी के उसके बारे में बताना है आपको। सॉरी। और इसके अंदर क्या क्लियर रहना है कि उसके अंदर जैसे कि आप अपना पोजीशन बता दिया और आपका पूरा डिटेलिंग क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में है आप, आपका बैकग्राउंड और एजुकेशन, ये एक एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मैंने एक जैसे मान लीजिए कि कोई सीईओ है तो उसका अगर इंटरव्यू होता है तो सबसे बड़े लेवल का आप समझ जाइए कि एक बड़ा लेवल का इंसान किस तरीके से इंटरव्यू होता है और तो आपको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। तो फिलहाल टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो इसमें अगर ये आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, तो आपको क्या है कि वो आपके अंदर इंफॉर्मेशन चाहता है, आपकी क्वालिटी चाहता है, कैरेक्टर चाहता है, आपके स्किल चाहता है, रिक्वायर्ड जो भी रोल है उसमें आप किस तरह से बैठ सकते हैं, आपकी किस तरह का डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप, आपका एट्रीब्यूट कैसा है,
ड्राइव सक्सेस कैसा है ये आपसे पूछना चाहता है वो। स्लाइड्स बड़ी है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पास होऊंगा, आपके सामने लिखा हुआ है तो आप पढ़ लेना इसे। तो इसमें आपको ये बताना है कि सर मैंने एक बहुत ही सिक्योरिटी ऑफिसर का एक इंटरव्यू है इसमें, कि सर डिस्क्राइब योर सेल्फ, कि सर मैं इस तरह से काम करता हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं एनवायरनमेंट को देखता हूँ, मैं बहुत जल्दी लर्नर हूँ और मैं सिक्योरिटी इक्विपमेंट को जानता हूँ, टेक्निक्स को जानता हूँ, किस तरह से पेट्रोल किए जाती हैं बिल्डिंग्स के अंदर, और मैं डॉक्यूमेंट्स को या एक्सीडेंट को जो भी होता है उसको मैनेज कर लेता हूँ, और इम्प्रूवमेंट। तो आपको अपने बारे में यहाँ पे, अगर आप आईटी टेक्नीशियंस हैं या इंजीनियर हैं या आप बीई हैं, तो आपको अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए ये देखिए, उसके अंदर मैंने एक सीईओ का एग्जाम्पल है और इसके अंदर एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स का एग्जाम्पल है। सो ये रेड रेड थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, और थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, इससे भी होगा क्या? हाँ ये ठीक है, लेकिन ये काम करेगा नहीं, ये नहीं काम कर रहा। सो ब्लैक ले लेते हैं सबसे अच्छा, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो आपको अपने क्वालिटीज़ को शो करना है जो आपने, जैसे आपको बताना होगा कि सर मैं यहाँ पे इतने साल से काम करता हूँ, मुझे इन इन पार्ट्स की जानकारी है, जैसे मैं कि चिलर्स को जानता हूँ, उसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आती है उसको जानता हूँ सर, और मैं किस तरह से एडवर्स कंडीशंस में भी मैं अपने आप को काम किया हूँ सर, और मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ क्विक लर्नर हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कंपनी के बेनिफिट्स के लिए काम किया हूँ, इस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक बार आपको एक मोटा मोटी इससे आप सीख ले सकते हैं, मतलब आइडिया ले सकते हैं। अब इसमें एक सवाल और भी आता है आपके सामने कि आपको क्या चीज़ यूनिक बनाती है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर ये जानना चाहता है इंटरव्यूअर कि वो कितना फोकस है, क्या मैं इसे हायर करूँ, एज ए एम्प्लॉयर हायर करता हूँ तो आप कितना चैलेंजिंग काम को कर सकते हैं, कितना चैलेंजिंग थिंक कर सकते हैं, कितने अच्छी तरीके से लोगों से रिलेशंस बना सकते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप फिट फॉर है कि नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस जो चाहिए उसको है कि नहीं। तो ये यूनिक, जब आपसे ये पूछा जाए व्हाट मेक्स यू यूनिक, तो इसके अंदर आपको क्या बताना है कि सर जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले कि जो मेरा एक्सपीरियंस है जो 4 साल का, वो 5 साल का या 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे सबसे पहले तो यूनिक बनाता है, और हमें फीडबैक या कंप्लेन किस तरह का हुआ है, वो चीज़ को मैंने किस तरह से हैंडल किया है, ये एक मार्केटिंग की है कि किस तरह से मैंने उसको हैंडल किया है और प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया है मैंने, तो ये सारी चीज़ें कि अगर मेरा चीलर शट डाउन हो गया है तो मैंने कितना तेज़ी से उसे काम किया है, या मेरा कोई पंप ब्रेक डाउन हो गया है तो उसको मैंने किस तरह से काम किया था, तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा यूनिक बताती है जबकि अदर एम्प्लॉय ये सब नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, इसका जो क्वेश्चन है इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि आपने कितना ज़्यादा कंपनी के बारे में रिसर्च कर रखा है, कितना आप लर्न करना, एक्चुअली में ये इसलिए पूछा जाता है कि आपके अंदर लर्न करने की क्षमता है कि नहीं, ये मतलब सीखने की क्षमता है कि नहीं, पढ़ने की क्षमता है कि नहीं, तो इसका बेस्ट वे प्रिपेयर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं किस तरह की कंपनी है, क्या प्रोडक्ट सर्व करती है, उसका मिशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, वर्क प्लेस क्या है, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ना पड़ेगा, कंपनी का गोल क्या है उसकी साइट जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि कंपनी का मिशंस क्या है, ठीक है, और उसका पे ऑफ क्या है, स्टूडेंट लोन डेप्थ कैसी है, सिचुएशंस कैसा है कंपनी का, कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी का पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसा है,
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये आप एक ओवरऑल आइडिया ले चुके हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि दोस्त फ्रेंड स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा इसे। सो व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस रोल? तो आपको जैसे कि आपको एज अ टेक्नीशियंस या एज अ इंजीनियर जब आपको हायर कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट क्या ऐसा है कि आप दिस रोल के लिए कैसे? तो इसमें जो ये भी ऐसा लगता है कि जैसे पुराना जो क्वेश्चन था वैसे ही है, पर इसमें जो मैनेजर जो आपको हायर कर रहा है उसके अंदर वो इस बात का श्योर करता है कि जो रोल है और जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसके लिए कितना कुछ कर सकते हैं, कितना रिलिवेंट आपके अंदर स्किल है, और आपके अंदर जो जॉब के डिस्क्रिप्शंस हैं वो कैसा है, और कंपेयर करने के लिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है और आपका स्किल है और एक्सपीरियंस कितना मैच कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा फोकस दे के आंसर करना पड़ेगा कि यहाँ पे कि मैं सर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग में, ठीक है, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, मैं कंपनी में एडोब प्रोडक्ट वगैरह मैं चला लेता हूँ, इंटायर सूट जानता हूँ, और मुझे एक ये जो कंप्यूटर के लड़के होते हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, सो मैं बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च कर सकता हूँ, मैंने इम्प्रूवमेंट से काम करता हूँ, प्रोजेक्ट को स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं। थर्ड है जो क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू? ये आपको जानना चाहता है एक एम्प्लॉयर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप कितना सेल्फ अवेयरनेस है, कितना मोटिवेशंस आपको मिलता है, क्या आप कितना स्पेसिफिक एज अ पॉसिबल है कि आप रियल टाइम में और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है जॉब में तो किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, तो मोटिवेशंस आपको कहाँ से मिलती है? तो ये मोटिवेशंस के लिए हम कह सकते हैं कि मुझे पेरेंट्स और मेरी फैमिली से मोटिवेट होता हूँ, उनके काम करने के तरीके से मोटिवेट होता हूँ, उनकी पॉजिटिविटी से जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी दी। ऐसा अगर मैं सपोज़ कि मैं एक नर्स हूँ तो मैं बच्चों का ख्याल रखने में बहुत ही मोटिवेशंस मिलती है और मैं वहाँ से मोटिवेट होता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको पता चला कि आप एज हैं तो आपको ये पता नहीं कि सर कि मैं APJ अब्दुल कलाम से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि वो इतने बुरी परिस्थितियों में भी इतना आगे आए। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं कि आप रियल लाइफ में कितना सेल्फ अवेयर हैं, ये मकसद होता है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि आपका पेशेंस क्या है। तो इसमें एम्प्लॉयर का जो पूछने का जो सबसे बड़ा वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करना चाहता है और आपको डीपली आपके बारे में जानना चाहता है कि आप किसी भी रोल के लिए फिट हैं कि नहीं है, या आपके पास बड़ा गोल देते हैं तो क्या आप उसको अच्छे से जेन्युइनली आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि जो एक्सपीरियंस है, जो ओरिएंटेशन से प्रोफेशन है, जिसमें मैंने काम किया है, एक ब्यूटिक सैलून का मैंने एग्जाम्पल मेंशंस है इसमें, तो मैंने अपने अंदर एक माय स्पेशलाइज है ट्रेनर के लिए, ठीक है, और मैंने स्किल लिया है। आपको ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन का जो एग्जाम्पल है उससे क्या मिलेगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि देखो ऐसे ऐसे प्रोफेशन में ऐसे इस तरह से जवाब देना पड़ता है, मैंने बहुत हेल्प किया है रिलेशनशिप बिल्डअप में कि उससे क्लाइंट्स के जो हमारे कैसे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशंस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आप गो थ्रू हो जाइएगा, आइडिया मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सा और है कि आपने पुराने जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको जो छोड़ने का जो मेन रीज़न देना है इंटरव्यूअर को, थोड़ा पॉजिटिव देना है, जैसे कि आपको लगे कि हाँ आप फोकस है। नेगेटिव एस्पेक्ट अपने पुरानी कंपनी का कभी नहीं बताना, क्योंकि आप कल को इस कंपनी में हायर हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस कंपनी में हायर होने के बाद आप इस कंपनी को ही छोड़ दें। तो अगर आप पुरानी कंपनी की बुराई कर रहे हैं तो आप इस कंपनी की भी बुराई कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है वो इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आप मेरी कंपनी की बुराई ना करें। यहाँ पे आपको ये मेंशंस करना है कि नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको फोकस में रहना है, ठीक है,
आपको नेक्स्ट पोजीशंस के एक्सपोजर्स के बारे में बात करनी है, तो आपको पहले यहाँ पे लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जो मेरी एबिलिटी को और अच्छा बना सके, जो मेरे लॉन्ग टर्म रिलेशंस को और बढ़िया बना सके विद क्लाइंट से, और मेरे एक सेल्स इंजीनियर का या सेल्स पर्सन का है यहाँ पे, और जो मुझे बेटर वर्किंग कंपनी का इन्वायरमेंट दे सके। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी आपको जाए। मैं एक सिंपल सा ये अगर क्वेश्चन आता है कि आप पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे मोर एक्सपोजर चाहिए सर HVAC में, मैं और भी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैं इतने से नहीं होगा। सो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपके सॉफ्ट स्किल का मतलब देखना चाहती है कि आप अपनी क्वालिटी शेयर कीजिए, आप अपने पर्सनल जो आपके तरीके हैं उसको शेयर कीजिए, और आप इंटरव्यू को चाहिए कि अपने जो क्वालिटीज़ हैं वो उस चीज़ को थोड़ा सा आप, जैसे कि मैं नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है तो प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस को और चैलेंज को ले लेता हूँ, मैं पजल सॉल्व कर लेता हूँ, और मैं किस तरीके से चैलेंजिंग इश्यूज जो भी हैं हमारे उसको किस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे ज़िंदगी में कभी अगर जॉब में जो भी प्रॉब्लम आई मैं उसको कैसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये सब स्ट्रेंथ आपको बताना है। जहाँ तक वीकनेस की बात है, मेरी एक पुरानी वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है, इसमें भी मैंने मेंशंस किया है कि वीकनेस को आपको ऐसा बताना है कि उसको लगे नहीं कि आप कभी भी सॉरी या आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होनी चाहिए आपको, तो आपका जो वीकनेस है वो सही होनी चाहिए। ये मेरी पुरानी वीडियो में भी इसको मैंने मेंशन किया, प्लीज़ उसको एक गो थ्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको वीकनेस ऐसी बताने, आई सम टाइम हैव द ट्रबल सेइंग नो। अब यहाँ पे क्या है कि नो कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी कहेगी कि जैसे अगर मैं इसको काम दूंगा, कहीं मैं कहूँगा कि ऐसा है कि तुमको दो शिफ्ट में काम करना है, टेक्नीशियन बेचारे दो शिफ्ट में काम करते हैं, तो वो एक शिफ्ट अगर खाली नहीं है तो दूसरे शिफ्ट में वो जाने से नो तो नहीं कहेगा, वरना बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं नहीं काम करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो ये देखिए, ये तो आप नो कह रहे हैं निगेटिव में, लेकिन कंपनी के लिए ये पॉजिटिविटी शो कर रही है, ठीक है, तो ये चीज़ है। और आप वर्कलोड लेने में कभी नहीं डरते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि आपके पास बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो आप स्ट्रेसफुल को फील नहीं करते हैं, इस टाइप से पॉजिटिव काउंटर प्रोडक्टिव भी है, तो इस तरह से पॉजिटिव में आपको आंसर देना जो आप एक बार गो थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आया है कि आपका फ्यूचर कैसा है, गोल कैसा है, इसमें ये जानना चाहता है कि आप कितना, ये जैसे डिटरमाइन वेदर नॉट यू आर लुकिंग टू स्टे कंपनी और लॉन्ग टर्म में, तो आप कितना लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपके एम्बिशंस को, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कैरियर एंड द एबिलिटी ऑफ प्लान है ये जानना चाहता है, ठीक है, और आपकी किस तरह की स्ट्रेटजीज हैं, कितना आप अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बताना है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डेवलपिंग माई मार्केटिंग एक्सपर्टीज एज वेल एज द लीडरशिप स्किल्स ऑफ द नेक्स्ट सेवरल ईयर। तो ये इससे क्या होता है कि एक तो आप अपनी बेसिक जो जानकारी है और जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही अच्छी, आप कह रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन अ फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, तो ये चीज़ आपको कहीं ना गोल में बहुत ज़्यादा ये कर रही है, आई बिलीव इन एक्सपीरियंस सर अचीविंग माई अल्टीमेट गोल, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से जवाब देनी है। अब आइए, व्हाट डू यू सी योर सेल्फ इन द 5 ईयर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये एक्चुअली में पूछा क्यों जाता है, ये एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड करना चाहता है कि कंपनी के लिए आप फिट हैं कि नहीं, पर्सनली पर्सन आप किस तरह से इस कंपनी को सोचते हैं, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप किस तरीके से इसके अंदर अपनी अपनी जो प्रीवियस स्किल को किस तरह से हमारी कंपनी में दे सकते हैं, तो इसको ये कहना चाहिए कि सर कि मैं अपने फील्ड में पहले से भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हूँ,
और आपको नहीं, मतलब आप फ्रेशर हैं, तो सर मैं अपने कॉलेज का मॉनिटर रहा हूँ, मैं एंट्री लेवल में डिज़ाइनर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं डिज़ाइनिंग मार्केटिंग ये सब सब कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप कहेंगे तो आपकी कम्युनिटी में तो सर ऐसा लगेगा कि हाँ ये 5 साल 10 साल सीख सकता है लड़का। और एक क्वेश्चन और आता है, कैन यू टेल मी द डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन यू हैव ओवर टाइम इट। तो यहाँ पे आपको अपने जो एक्सपीरियंस को ही देना पड़ेगा, जो अभी आपका एक्सपीरियंस है कि आपने अंडर प्रेशर में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप कितना बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप ह्यूमन साइड से कैसे हैं, आपके अंदर विलिंग कैसा है, आप किसका माइल अपने आप को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बता देना है, एक स्टोरी टेलिंग बतानी है कि फर्स्ट डे मेरे बॉस को 2 वीक को वेकेशन पे जाना था, हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट थ्रेड लिविंग बिकॉज ही डिड नॉट फील। तो आपने क्या क्या कि आपने किस तरीके से सारे कंसर्न को हैंडल किया, कंपेनिंग की, तो ये आपको बताया गया कि अगर कभी आपको जो भी चीज़ बोलना है ना, कंपनी के हित में बोलना और कंपनी को रख के बोलना है। तो एक बार जानिएगा कि सर ऐसा हुआ था पुरानी कंपनी में, तो मैंने उस चीज़ को हैंडल किया, तो इसको लगा कि अगर मेरे को भी कहीं पे अगर कुछ ऐसा होगा तो ये बंदा हैंडल तो कर सकता है, समझ रहे। अब यहाँ पे जब चीज़ आती है कि सर सैलरी रेंज पूछता है वो आपसे, तो आपका जो एक्सपेक्टेशंस है अमाउंट का, जो अभी आपका रोल है, बजट है, रेंज है, जो भी हायर है या लोअर है मार्केट वैल्यू से या जो भी इम्प्रेशंस, तो आपको पहले तो पता नहीं है कि जो आपका इंटरव्यू हुआ कैसा हुआ है, किस तरीके से की आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें ये पूछना चाहता है कि आप कितना फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, तो आपको इस तरह से जवाब देना है कि सर माई एक्सपेक्टेशंस इतना से इतना है, ठीक है, माई एवरेज सैलरी इतनी है और आई एम फ्लेक्सिबल, ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। और नहीं तो एज पर कंपनी नॉर्म्स बोल देते, एज पर कंपनी नॉर्म्स, जो भी कंपनी के नॉर्म्स होगे उसके भी इस तरह से जवाब देना है। एक क्वेश्चन आता है कि मैं तुम्हें हायर क्यों करूं, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आप बेस्ट कैंडिडेट हैं, आपको जो बात करने का स्किल कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कि सर मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कंपनी का सेशंस वैल्यू, ऑफिस, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, ये सब बातें आपको देनी पड़ेंगी। और लास्ट में आपको ये बताना है कि व्हाट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस में आपको ये पूछना जानना पड़ेगा कि सर के एक्सप्लोर कितना है, यानी सब्जेक्ट में एड्रेस है, और आपको बेसिक्स पोजिशंस पूछनी है कंपनी के बारे में कि कितना एक्सपीरियंस कंपनी का, क्या गेन टिप्स है, क्या है। सो यहाँ क्वेश्चन का जवाब है व्हाट डू यू लव अबाउट वर्किंग फॉर दिस कंपनी, व्हाट वुड सक्सेस लुक लाइक इन द रोल, व्हाट आर द सम चैलेंजेस पीपल टिपिकली फेस इन दिस पोजीशन। ये एक छोटा सा आपको जानना पड़ेगा कि सर की कि सर मतलब सर आप ये बताइए कि वहाँ के एम्प्लॉय कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जिस पोजीशंस के लिए मैं हायर हो रहा हूँ वो कितना चैलेंजिंग, इससे पहले लोगों ने कितना चैलेंज फेस किया है, मैं अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर्ड होना चाहता हूँ। तो इसमें लगेगा कि लड़का कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टेड है और ये चैलेंज को देखना चाह रहा है कि जो काम के लिए पोजीशन, और ये फीडबैक ले रहा है कि पुराने जो रहने वाले थे उन्होंने इस काम को कैसे किया था। तो ये सारी चीज़ें 6 क्वेश्चन मैंने कवर की है फ्रेंड्स, और एक बार आप हो जाइएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बटन सा आता है, तो आजकल 3 तरह का आता है, एक इस तरह से आता है, एक इस तरह से आता है, एक सादा आता है, एक फुल आता है, और एक के ऊपर इस तरह से बना होता है ये, तो आप जिसके ऊपर इस तरह से बना हुआ ना उसको क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भी चीज़ों को देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।